बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फेसबुक की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल कंप्लीट तौर पर बात करने हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल नहीं होता। आप अगर एड्स वगैरह लगा रहे हैं या फेसबुक पर एड लगाना चाह रहे हैं तो हम भी इस सर्विस जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मुख्तलिफ पेज पर ऐड लोगों को लगाते हैं तो उसके लिए हमारे अगर फेसबुक की आइडेंटी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और उसमें आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो महफूज हो जाता है। आप भी अपनी आइडेंटी वेरिफिकेशन अगर फेसबुक की करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट तौर पर बात करूँगा, कम्प्लीट आपको क्लियर करूँगा कि आपने आइडेंटी वेरिफिकेशन कैसे करनी है और आपने बेहतरीन जो है वो आप भी आज ही अपने फेसबुक अकाउंट की आइडेंटी वेरिफिकेशन करें जो ओरिजिनल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे करनी है, हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आप फेसबुक अकाउंट ओपन कर लें और यहाँ पर थ्री डॉट पर आप क्लिक करें। थ्री डॉट पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है अपनी प्रोफाइल। यहाँ पर आप हमारे पास फेसबुक पेज की काफ़ी पेज बने हुए हैं, हम चाह रहे हैं फेसबुक प्रोफाइल को यहाँ पर सी मोर पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन शो हो रहा है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। आपको सिंपल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आ रहा है पर्सनल डिटेल, इस पर आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपने यहां से अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आ चुका है पाकिस्तान इन प्रोग्रेस, यहां पर आपको नीचे क्लिक करना है और यहां पर आइडेंटिटी मैंने पहले की थी तो कैंसिल हो चुकी थी। अभी हम अपने यहाँ पर रियल तौर पर अपलोड करेंगे आइडेंटिटी। अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट के प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के प्रोसीजर पर क्लिक करने के बाद हमें पूछा जा रहा है कि आप किस जरिए से अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। हम आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो कैमरा ओपन हो जाता है, यहाँ पर अपना सीएनएसी की फ्रंट इमेज जो है वो आपने स्कैन कर लेनी। मैं अपने फ्रंट सीएनएसी की इमेज जो है वो स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं फ्रंट इमेज को यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो लूँगा, यहाँ पर मैं इसकी यानी कि ओरिजिनल जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थोड़ा सा ये देखिए अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको कैप्चर किया और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर तस्वीर को अच्छे से चेक कर लें, कोई लाइट वगैरह फ्लैश वगैरह ना लगे और सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक किया आपके सामने अपलोड हो चुकी है। अभी थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, थोड़ा सा आप रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस में चली गई है। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका फेसबुक पर ऐड वगैरह व्हाट्सएप बैन वगैरह वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी